देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो आयत की लंबाई है वो 25% से बढ़ा दी गई है। चाहे बढ़ा दी गई हो चाहे कम कर दी गई, उसकी भिन्न बनानी है। इसकी भिन्न क्या होगी? 1/4 बढ़ाइए। वो आपसे पूछ रहा है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें कि एरिया सेम रहे। तो ये बढ़ाई गई है तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। देखिए, जब प्लस से माइनस में जाएंगे, एक प्लस से दूसरा माइनस वाले वाले निकालने, तो डायरेक्ट उससे नीचे वाला लिख दो। 1/4 से नीचे क्या होता है? 1/5। और 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है? 20% आंसर आ जाएगा आपका। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल ये आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो आयत की लंबाई आपके पास 20% से कम कर दी गई। कम कर दी गई मतलब 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। कम कर दी गई तो माइनस, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाएं, मतलब दूसरी बढ़ेगी मतलब प्लस में आएगी। तो माइनस से प्लस में जाना, माइनस से प्लस में जाना तो उससे ऊपर वाला। तो 1/5 से ऊपर क्या होता है? 1/4। और 1/4 की प्रतिशत फॉर्म क्या होती है? 25% आपका आंसर आ जाएगा। अभी धीरे धीरे आप इस कंसेप्ट को सीखिए, पूरे लेक्चर जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी एप्लीकेशन कहां कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स कि चीनी के मूल्य में 33.33% की वृद्धि कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3। तो पूछ रहा कंजप्शन कितने प्रतिशत से कम की जाए, खपत कितने प्रतिशत से कम की जाए कि उसका एक्सपेंडिचर है जो खर्चा है वो सेम रहे। तो ये बढ़ाई गई, दूसरी कम होगी। तो आपको पता प्लस से जब माइनस में जाना तो डायरेक्ट उससे नीचे वाला लिखते हैं। प्लस से माइनस में जाएंगे तो नीचे वाला, 1/3 से नीचे वाला क्या होता है? 1/4। और 1/4 की प्रतिशत तो आपको याद है ना, 25% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब की बार बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 33.33% से कम हो गया। कोई बात नहीं, कम हुआ जो ज़्यादा हो, फ्रैक्शन तो बनानी ही पड़ेगी, भिन्न तो बनानी पड़ेगी। कम हुआ तो माइनस। तो आपसे पूछ रहा जो उसकी कंजप्शन है, खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाएगी, आपका खर्चा क्या रहा जाए सेम। तो ये कम हुई है तो दूसरी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इससे ऊपर वाला लिखना पड़ेगा बच्चे। माइनस से प्लस में जाएंगे तो ऊपर वाला, 1/3 से ऊपर क्या होता है? 1/2। और 1/2 की प्रतिशत फॉर्म क्या होती है? 50%। यही आपका आंसर होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब प्लस से माइनस में जाना है तो उसे डायरेक्ट नीचे वाला लिखना है, और जब माइनस से प्लस में जाना है तो उसे ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है। भाई वीडियो अच्छा लगे तो सभी जगह शेयर कर दो जहां भी पॉसिबल है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको फ्रैक्शंस टू प्रतिशत या परसेंटेज कन्वर्जन आनी चाहिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनकी आपको प्रतिशत डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात करता हूँ 1/9। 1/9 किसके बराबर होता है? 11.11% के। 1/11 होता है 9.09% के। ध्यान से देखेंगे बच्चे, एक दूसरे के रिवर्स हैं। 1/9 में क्या रहा? 11 बार बार रिपीट हो रहा है। 1/11 में क्या हो रहा? 9 रिपीट हो रहा है। तो 9 वाले में 11 आ रहा बार बार, और 11 वाले में 9 आ रहा बार बार। तो इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। ये बहुत बार रिपीट होती हैं तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्या कह रहा है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 11.11% ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा है तो 11.11 की फ्रैक्शन अभी तो हमने पता की थी 1, ज्यादा है तो क्या प्लस। तो पूछ रहा जब बी की सैलरी ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ए की जब बी से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बी की ए से कम होगी, तो ये प्लस है दूसरी माइनस होगी। तो जब प्लस से माइनस में जाते हैं आपको पता डायरेक्ट उसे नीचे वाला लिखते हैं। 1/9 से नीचे क्या आता है भाई? 1/10। और 1/10 की प्रतिशत फॉर्म क्या होती है? 10% आपका आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 12.5% कम है। कोई दिक्कत नहीं, 12.5% की भिन्न बनाइए। 1/8 कम है तो माइनस क्या लेंगे? माइनस। अगर ये कम है तो बच्चे दूसरी ज्यादा होगी, ये कम है तो दूसरी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो मतलब इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला क्या होता है बच्चे? 1/7। और 1/7 की फ्रैक्शन आप होती है हमेशा, प्रतिशत फॉर्म होती है 14.28। इसको कैसे याद करते हैं? 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। तो 1/7 आगे से हमेशा ध्यान रखना, 14.28 डायरेक्ट, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। तो आपने स्टूडेंट्स आज के लेसन में जाना, इस कंसेप्ट को बोलते हैं बच्चे कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशो। मतलब जहाँ भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट और वो कॉन्स्टेंट रखना है तो ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई किया जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई,
लंबाई हम किसी प्रतिशत से बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें कि एरिया क्या रह जाए सेम। इसी प्रकार यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं हम, एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, खर्चे को समान रखना है, प्राइस को बढ़ा रहे हैं, खपत को कितना कम करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा और सैलरी वाले क्वेश्चन में भी होगा, ए की सैलरी बी से 20% अधिक है या कम है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो कंसेप्ट को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। मान लीजिए एक चीज 20% अधिक है, अधिक है मतलब तो 1/5 प्लस दूसरी कम होगी, कम होगी तो डायरेक्ट इससे नीचे वाले लिख देंगे 1/6, 1/6 किसके बराबर होता है 16.66, ये आपको याद करवाई जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको बोला भाई नहीं 25% की कमी है, एक में कमी है तो -1/4, ये कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो इससे ऊपर वाला, 1/4 से ऊपर वाला क्या होगा 1/3, आंसर क्या हो जाएगा 33.33। कहीं भी आपको लिखने की तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, माइंड में ही करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा 25% ज़्यादा, 25% के फ्रैक्शन में नहीं 1/4, ठीक है माइंड में 1/4, दूसरी कम होगी, कम होगी तो इसे नीचे वाला, इसे नीचे क्या होता है 1/5, उसकी प्रतिशत फॉर्म क्या होती है 20%। आगे आने वाले लेसन्स में इसकी और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, तो कमेंट करके बताइए आपको आगे कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा हमसे सीख सकते हैं मैथ्स, वो भी एक नए अंदाज से, ट्रिकी अंदाज से, यानी हमारे अंदाज से, जिसकी फीस है 499 पूरे साल के लिए। जो कोर्स है उसमें कंप्लीट मैथ होगा, अर्थमेटिक एज वेल एज एडवांस। कोर्स 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बट उसकी वैलिडिटी रहेगी, मतलब जो वीडियो पीडीएफ नोट्स है वो आपको 1 साल तक आपके चाहे जितनी बारी भी देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप कीजिए 9728435915।